2020 कई हवालों से दुनिया के लिए अच्छा साल साबित नहीं हुआ। मुल्क की नामवर और नहायत मोतबर शख्सियात इस साल में हमसे जुदा हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मआवन खसूसी बराए सियासी उमूर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक 15 फरवरी 2020 को अलालत के बायस कराची के हस्पताल में इंतकाल कर गए। मुल्क की शोबिज इंडस्ट्री का बड़ा नाम और कॉमेडी लेजेंड मज़ाह के शहनशाह और थिएटर के बादशाह अमानुल्लाह 6 मार्च 2020 को 70 बरस की उम्र में खालिक़े हकीकी से जा मिले। माजी की खूबसूरत और मारूफ अदाकारा सबिया खानम 13 जून 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गई। सबिया खानम 1935 में गुजरात में पैदा हुई। उनकी उम्र 84 बरस थी। पाकिस्तान के मायनास टीवी कंपेयर तारिक अजीज 17 जून 2020 को खालिके हकीकी से जा मिले। उनकी उम्र 84 बरस थी। तारिक अजीज अदीब, शायर और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मीर जफरुल्लाह खान जमाली 2 दिसंबर को इस्लामाबाद के एक अस्पताल में खालिके हकीकी से जा मिले। उनकी उम्र 76 बरस थी। मीर जफरुल्लाह खान जमाली 1 जनवरी 1944 को बलूचिस्तान के इलाके रोजान जमाली में पैदा हुए। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 22 दिसंबर को इस्लामाबाद के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा फिरदौस बेगम 16 दिसंबर को लाहौर में इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 73 साल थी। जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाले जज वकार सेठ का कोरोना से इंतकाल हुआ। वो 12 नवंबर 2020 को अपने खालिके हकीकी से जा मिले। जस्टिस वकार अहमद सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो 20 अगस्त को इंतकाल कर गए हैं। वो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। मीर हासिल खान बजिंजो 3 फरवरी 1958 को बलूचिस्तान के इलाके नाल में पैदा हुए। उनकी उम्र 62 साल थी। पीपल्स पार्टी क्वेटा के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आयतुल्ला दुरानी 5 जुलाई को इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 64 बरस थी। टीवी के मारूफ मजाहिया अदाकार मिर्जा शाही 29 सितंबर को कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 साल थी। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 93 बरस थी।